नमस्ते है जी। पिछले दो वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे घर ऑफिस को कार्यस्थल को हम अपने इस पूरे क्लीनिंग किट के साथ क्लीन करते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो उससे पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे क्रिस्टल और ब्रेसलेट्स को नज़र ब्लैक मैजिक बहुत नज़र लगने वाले कंडीशन में अलग अलग टाइम में इस्तेमाल कैसे करना है। आज हम किसी पर्सन को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रखी है, बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मैजिक या बाहरी हवा कुछ भी ऐसा हो रखा है, तो उस कंडीशन में किसी के ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे, किसी को डीप क्लीन कैसे करेंगे, किसी की पूरी सफाई कैसे करेंगे जिससे उसको तुरंत ही आराम मिले, तुरंत ही शांति मिले। बींग अ हीलर, आपके लाइफ में ऐसे केसेस जरूर आएंगे, बहुत बार आएंगे, तो इसलिए आपको इस चीज को समझना होगा। और चलिए हम सीखते हैं कि कैसे किसी को पूरी तरह से क्लीन करें। तो आपको समझाने के लिए आज हमारी टीम की ही एक बच्ची मॉडल के रूप में यहाँ बैठी है। यही पूरा जो सिस्टम है जो हमने घर के लिए ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया था उसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये है एवलॉन शेल, ये समुद्री जीव का कवच है जिसमें मोती होता है, सीप कहते हैं जिसे, बड़ा वाला। ये है फेदर वेंट, अफ्रीकन ऑस्टिज, शुतुरमुर्ग और अफ्रीकन चील में से किसी एक का ये फेदर वेंट है, पंख है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अफ्रीकन ट्राइब्स के द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की जो टेक्निक्स है अफ्रीकन जंगली लोगों ने ही हमें सिखाई। तो फेदर वेंट ले लिया और हम लेंगे इसके बाद वाइट सागा। घरों को भी क्लीन करने के लिए हमने इसी का ही इस्तेमाल किया था। और आलो सांतो, किसी कठिन परिस्थिति में और ज़्यादा ज़रूरत है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सभी आपको आज बताऊंगा। सबसे पहला काम ये करेंगे कि पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट के पानी से पहले हमारे रिसीवर को जिससे भी तकलीफ है उन्हें नहला दें। पहले साबुन से नहा लेगा, फिर उस नमक पानी से नहा लेगा, फिर सादे पानी से नहा के एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर इसको हमने आग में जलाया, धुआं धुआं किया, पहले भी मैंने बहुत सिखाया है, अभी सच में इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको नहीं जलाऊंगा, क्योंकि ये कीमती चीज़ें हैं, बहुत दूर से आया हुआ है, बेवजह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे हमने जलाया और दो उंगली से पकड़ा, ठीक है, दो उंगली से पकड़ा और तीन उंगली से हमने पकड़ लिया इस प्लेट को। और अब इसमें आग लग चुका है, इससे धुआं निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इस बच्ची को हम सबसे पहला काम करेंगे क्लॉकवाइज। सात बार पूरा पैर से लेकर सिर तक सात बार घुमाएंगे, फ्रंट लेफ्ट टू राइट, देन फ्रंट को पूरा घुमाएंगे। कितने बार? सात बार, ठीक है। बेटा ये याद रखना कि ये जो धुआं निकल रहा है, आग जल रहा है, इसके राख को इसमें कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसकी राख को हम इसमें इकट्ठा करते हैं। राख जमीन में नहीं गिरना चाहिए और इसमें ही गिरना चाहिए, कहीं भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊर्जा ही सोख रही है, जो राख गिर रहा है वो कहीं ना कहीं इसका इसके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसकी कहीं फिजिकल फॉर्म है। देन इस तरीके से बच्चे के शरीर के हर कोने में गोल गोल घूम के सात बार इस धुएं को उनके ऊपर ढालेंगे, सिर के ऊपर, कानों में, आंखों में, नाक में, मुंह में, त्वचा में, पांचों इंद्रियों में, साथ में कल्पना करते हुए कि इसके जल तत्वों पे, अग्नि तत्वों पे, आकाश तत्वों पे, भूमि तत्वों पे
वायु तत्व पे पांचों महाभूतों में इसके धुएं को हम भेजेंगे अपनी कल्पना से। ये तो हो गया। यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा है, तो वाइट सागा का इस्तेमाल करने के बाद अलोसांतो लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। अलोसांतो लकड़ी को भी वैसे ही जलाएंगे और सेम प्रक्रिया उसमें चलाएंगे। अगर लगता है कि प्रेत बाधा कुछ ऐसा है या कोई ब्लैक मैजिक किया गया है बच्चे पे और बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत वो बींग अ हीलर आपको समझ में आ जाता है, उसकी कंडीशन देख के समझ में आ जाता है, तो उस कंडीशन में पालो सांतो को हम ज़रूर से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट देखो ऐसा है, जो अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया, जो हीलर जो अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर लिया, बहुत बढ़ा लिया, अपनी साधना को बढ़ा लिया, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कहीं ना कहीं जब आप बहुत लोगों को हील कर रहे हो तो साधना की ऊर्जा कम हो रही होती है, तो साधना को बचाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उस ऊर्जा को बचाने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है, अपनी स्विंग को बचाए रखने के लिए बाहर से कोई चीज़ को लेकर के बाहरी दे करके ख़त्म किया गया। फिर इन सब के बाद आखिर में जो सबसे मेन चीज़ बचेगा वो ये है, सेलेनाइट टावर या सेलेनाइट क्रिस्टल आपके पास जो भी होगा, उससे बच्ची के ऑरा को क्लीन करेंगे। हल्का हल्का टच कर सकते हैं, शरीर के हर कोने में। टच ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जातक है शरीर के हर कोने में पहुंचाने की कोशिश करें। टच करें ना करें दोनों एक बराबर है। टच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। पैर पैर सीधा कर लो। इस तरह से हर एक कोने को आप सेलेनाइट क्रिस्टल से क्लीन करेंगे। सब चीज होने के बाद सबसे अहम चीज जो है वो है आप इन्हें प्रणाम करेंगे, इस जगह को प्रणाम करेंगे, इनके शरीर को, इनकी आत्मा को प्रणाम करेंगे, परमात्मा को प्रणाम करेंगे, अपने आप को प्रणाम करेंगे, और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। आइए समझते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से हम इस बच्ची को पूरी तरह से क्लीन कर लें, और इसके बाद आप इनकी हीलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्लीनिंग से सफाई हो गई, शांति हो गई, और अब जो भी अच्छा करना है, जो भी बरकत करना है, उसमें आप हीलिंग दे सकते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा हीलिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब तक के लिए नमस्ते। आज